वही शख्स जो आम थाने के अंदर कुछ भी नहीं उगलता है, ना बताता है ना कुछ करता है, लेकिन जब वो CIA के पास आता है तो वो रिकवरी भी हो जाती है, चीज़ें भी। तो आपके हुकूमत खाने में किस किस्म की टॉर्चर किया जाता है? जब आपके साथ कोई वारदात हो और आप मेरे पास रोते हुए आए कि मेरी वारदात दा कुछ नहीं, मैं नहीं जा रहा, गलत सुनो ना। रिक्वायरमेंट ये होती है कि चोर के टुकड़े कर दें, मेरी रिकवरी कर दें, फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है। इसकी जरूरत क्यों आती है? अभी आपने रिसेंटली अलग कर दिया CIA को और इन्वेस्टिगेशन को। अभी यहाँ से जाके DIG साहब इन्वेस्टिगेशन से पूछ रहे कि इन्वेस्टिगेशन वालों के सामने डाकू मुँह क्यों नहीं खोलते? आप प्यार मोहब्बत कहते नहीं होंगे, बेटा पानी पी लो तो 10 दो पैसे सारे दे दो। शख्स थाने से CIA में आता है, उसकी रिकवरी और चीज़ों की लाइन लग जाती है। तो कहड़ी गिद्धर सिंह जी ताड़े को? हमारे पास गिद्धर सिंह है कि वी हैव द एक्सपर्ट्स। मेरे पास एक ऐसा अफसर भी मौजूद है, उसको साया दिखाएंगे तो कहेगा ये फलाना बंदा है, तो मैं फलाने दौर से चला। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद बदर सईद। पुलिस का सबसे खौफनाक शोबा CIA। आज हम मौजूद हैं लाहौर CIA के चीफ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू बदर साहब। अच्छा सर ये बताइएगा CIA का मुखफ़फ़ किस बात चीज़ का? ये नहीं, पहले खौफनाक पे गाल करो ना सर। खौफनाक कि बदर सईद काबू मेरे पहली दफ़ा आया है। पहले ना दूर दूर से ये गुजर जाता था, निकल जाता था, पहली दफ़ा काबू आ गया। और उसने शुरू यहाँ से किया है कि CIA का सबसे खौफनाक शोबा। आवाम में बहुत खौफजदा रहती है CIA। इसी पे बात करते हैं। देखिए जो क्रिमिनल है ना, अगर क्रिमिनल के दिल में पुलिस का खौफ नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट का खौफ नहीं होगा, तो फिर देन You are not safe। ये बात ध्यान में रखिए। बिल्कुल ठीक। अवाम खौफजदा नहीं होती, जिसके दिल में चोर हो वो खौफजदा होता है। पिछले फ्राइडे को मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया लोगों में रिकवरी तकसीम की है, जिसमें एक फैमिली को 30 लाख रुपया अभी हमने तकसीम किया। तो डू यू थिंक कि CIA उनके लिए खौफ की अलामत है? वो यार को रिवाज आए थे पैसे दे अंदर। हाँ, जो चोर है, जो डाकू है, जो मंशियात फरोश है, जो जवारी है, जो टारगेट किलर है, जो किडनैपिंग फॉर रैनसम में इन्वॉल्व है, उसके लिए हम खौफ की अलामत हैं। एंड वी वांट टू बी। वही शख्स जो आम थाने के अंदर कुछ भी नहीं उगलता है, ना बताता है ना कुछ करता है, ना वो मानता है अपना जुर्म, लेकिन जब वो CIA के पास आता है तो वो रिकवरी भी हो जाती है, चीज़ें भी। तो आपके हुकूमत खाने में किस किस्म की टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से ये सारा कुछ उगलवाया जाता है? हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की आपके हुकूमत खाने में। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए कि जब आपके साथ कोई वारदात हो और आप मेरे पास रोते हुए आए कि मेरी वारदात दा कुछ नहीं जा रहा। गलत सुनो ना। आप देखें, आप एक मजे हुए साफ़ी हैं, अदीब भी हैं, आपका जो लफ्ज़ है ना उसकी बड़ी वैल्यू है। जब आप कहेंगे ना आपके हुकूमत खाने में किस तरह के टॉर्चर की हालात हैं, आई विल फील हर्ट। वो इस वजह से मैंने इसीलिए बात ही यहाँ से शुरू की कि आपके साथ वारदात हो, आप रोते हुए मेरे पास आएँ और आप कहें कि इसको ट्रेस करें, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि क्या हमारे पास हुकूमत खाना है? आपने कहना ना ना आप तो वली हैं। फिर मैं कहूँगा कि ये हम क्या इस बंदे पे हमने तशद्दद किया? क्योंकि नहीं आप तो वली हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरी रिकवरी हो। सर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आगे सुनिए, आगे सुनिए। हम बेसिकली मुनाफिक लोग हैं। जब हम चोर के साथ आते हैं तो हम कहते हैं कि चोर को खड़ा किया हुआ था, उसके हकूक नहीं थे, उसके बुनियादी हकूक पामाल किए गए, उसको कुर्सी पे बिठा के सुनना चाहिए था। और जब हम मुदई के साथ आते हैं तो हमको देखें वो चोर है और उसको कुर्सी पे बिठाया हुआ है, तो उसने क्या बताना? उसको पुलिस ने अगला इल्जाम होता है पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि चोर के टुकड़े कर दें, उसका घर बेच दें, मोटरसाइकिल बेच दें, चूड़ियाँ बेच दें, बीवी का जहेज बेच दें, पेटियाँ बेच दें, बकरियाँ बेच दें, मेरी रिकवरी कर दें। फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है। मैं इसके लिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वही ये सब कुछ आम थाने में क्यों नहीं हो सकता, इसकी जरूरत क्यों नहीं आती है? अभी आपने रिसेंटली अलग कर दिया CIA को और इन्वेस्टिगेशन को, तो बेसिकली तो तफ्तीश थी, तो अलग करने की जरूरत क्यों पेश आई? पुलिस के अंदर इतने सेक्शन क्यों बन रहे हैं? हाँ, असल में ये जो है ना, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे मिक्स कर दिए। एक तो ये सवाल आपने अभी यहाँ से जाके DIG साहब इन्वेस्टिगेशन से पूछ लें कि इन्वेस्टिगेशन वालों के सामने डाकू मुंह क्यों नहीं खोलते। ये मेरा बनता नहीं ना जवाब देना, इस पर वो देंगे। ये रिमार्क्स जो हैं या ये वर्ड जो है सर आप प्यार मोहब्बत से कहते नहीं होंगे बेटा पानी पी लो तो 10 पैसे सारे दे दो तू नहीं मेरे को मनने या तो डाकू बनने का जिने 250 वारदात की थी तो सर प्यार मने कुछ तो मतलब तो बदर सईद नहीं मनने या ना तो डाकू मनेगा यार सीजन ऑफिसर्स और वो सारी एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम बंदे के सामने रखते हैं कि चोई साहब तुसी कह रहे हो कि मैं इन्ने वज के इन्ने मिनट ते रावी रोड सा जबकि जनाब इन्ने वज के इन्ने मिनट ते फलानी जगह सा तो जनाब झूठ बोल रहे हैं वो फिर जनाब ने जो तुसी साबित करना शुरू कर रहे हैं ना जनाब झूठ बोल रहे हैं तो जनाब कितने कितने बन जाते हैं तो जो हमारे पास लड़के हैं माशाल्लाह दे आर द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स और जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव एक्वायर्ड दैट स्किल आल्सो ठीक है तो जाहिर है उसके साथ मिलके हम काम करते हैं और अल्लाह ताला यानी इसको हम ब्रैकेट करें तो आप ये कह रहे हैं कि CIA में टॉर्चर नहीं होता बल्कि एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। टॉर्चर पर तो हम यकीन ही नहीं करते ना देखें टॉर्चर करे CIA तो आप मीडिया वाले हमें जीने दें सर हम तो खुद डरते हैं फिर आप किससे नहीं आप नहीं डरते अच्छा सर ये बताइएगा कि एक शख्स CIA कोई अलग से तो पुलिस का नहीं है हाँ, एक शख्स थाने से CIA में आता है उसकी रिकवरी और चीज़ों की लाइन लग जाती है वो दोबारा थाने में जाता है तो वो फिर वहीं पे बैठ जाता है तो कहड़ी गिद्धर सिंह जी ताड़े कोल हमारे पास गिद्धर सिंह है कि वी हैव द एक्सपर्ट्स जो आपने शुरू में कहा कि CIA को एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत थी डिपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत थी लाइक दैट ये इतने ज़्यादा छोटे छोटे भाई बात ये है ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का दौर है। डाकू जो है आपका कानून डाकू के डाका मारने के बाद बनता है कि उसने इस तरीके से डाका मारा है तो अभी इसको भी कानून के दायरे में लेके आया जाए ठीक है वो रोज़ नई इनोवेशन लेके आता है। थाने में जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे और प्रेशर्स होते हैं और बहुत सारे और काम उन्होंने डील कर रहे होते हैं। हमने जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है वो यही है कि जो बंदा बर्गलरी को डील करता है वो नकबजनी का मास्टर है। वह मेरे पास एक ऐसा अफसर भी मौजूद है कि आप सिर्फ मुलजम का उसको चेहरा ना दिखाएं आप ऐसे लाइट लगा के मुलजम को चलाएं उसका ज़मीन पर सिर्फ उसका साया पड़े उसको साया दिखाएंगे तो कहेगा ये फलाना बंदा है तो मैं फलाने दौर से चलान की था तो they have acquired that over the period of time। तो इस तरह के जो skilled लोग हैं हम उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको हम पॉजिटिवली यूज भी कर रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का दौर है हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जल्द या बदेर जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो ही बंदा 302 का मुकदमा भी कर रहा है तो डांग सोटे वाला भी कर रहा है तो वही 13/65 वाला कर रहा है वही मनशियात वाला कर रहा है वही 406 वाला कर रहा है 489F का तो बेड़ा गर्क करके सारी इन्वेस्टिगेशन ना बैठा दो। जो बंदा 392 को करता है रॉबरी को करता है ही इज एक्सपर्ट इन रॉबरीज लेट हिम डू दैट। जो 302 को जो होमिसाइड को करता है लेट हिम डू दैट। यही थाने में भी आना चाहिए इसी तरह से होना चाहिए डिवीजन और इन्वेस्टर डिवीजन देखे ना ग्रेजुअली ये डिवीजन हो रही है। NIU अलग बन गया जो सिर्फ नार्को को करेगा जो होमिसाइड का है वो अलग बन गया जो सिर्फ मर्डर को देखते हैं जो फाइनेंशियल सुन लीजिए जब ये चीजें CIA में सिर्फ हमारा हार्डकोर क्राइम आना शुरू हो जाएगा तो किडनैपिंग फॉर रैंसम सेपरेट हो गया डकैती रॉबरी सेपरेट हो गई और जो फाइनेंशियल क्राइम है वो सेपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये डिवीजन बनती जा रही है। डिवीजन जो है वो महकमाना सतह पे बन रही है लेकिन जब ट्रांसफर होता है तो एक्सपर्टीज की बजाय वही बंदा दूसरी तरफ चला गया कभी किसी और चीज को देख रहा है इसके ऊपर भी तो कुछ फिर हाँ ये बात आपकी ठीक है लेकिन उसमें भी ये है कि आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे पास CIA में लोग हैं 8-10 साल से वही लोग हैं दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग। इसी को तो मैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कह रहा हूँ कि वो उनकी एक्सपर्टीज जिसकी नकबजनी पे है मैं नाम आपको फिंगरटिप से बता दूं तो ये मेरे 5-7 लोग हैं जो नकबजनों के खिलाफ काम करने के मास्टर हैं। सर फिर वो सर्कुलर जो है वो डेड हो गया जिसमें कहा जाता है 3 साल रखा जाए 3 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया जाए अगर 10 साल तक आपके पास हाँ, लोग हैं हाँ, तो जो एक तकनीक है कि ऑफिसर्स को और अमले को 3 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया जाए वो तो फिर यहाँ पे डेड हो गई। नहीं डेड नहीं हुआ मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना अगेन वही आपके साथ बात कर रहा हूँ कि CIA में हमने स्पेशलाइज्ड लोग लेके आने हैं। ये आप वही बात कर रहे हैं कि एक बंदे ने उसी लीड की ट्रेनिंग करवाइए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ₹ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਜੋ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਯਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਫਾੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ। ਲੀਡ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਡ ਮੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਲੀਡ ਮੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ दैट ऐसा नहीं है। हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए ठीक है, ये पीसी के लिए ठीक है, ये जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक है, ये जनरल ऑपरेशन के लिए ठीक है। जो स्पेसिफाइड जॉब है उसमें स्पेसिफिक लोग ही होंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। सर, आपके पास इतने एक्सपर्ट लोग हैं, मतलब साया देख के बंदे को पहचान लेने वाले लोग, तो आप इन्वेस्टिगेशन का जो है अब तो अलग हो गया, तो उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग देते इन लोगों से? इनको मास्टर ट्रेनर के तौर पर आप बाकी थाने भी ठीक कर सकते हैं। आप उस वक्त से डरें जब तेरा साया किसी जगह आ जाएगा। नहीं, देखिए बात ये है जो अगेन ना, ये कुछ स्किल्स होती हैं जो अक्वायर्ड होती हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं, ठीक है ना। ये गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती है। कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, आप 10 साल बाद उनके सामने से गुजरेंगे तो कहेगा यार 10 साल पहले मैं सारे इत्तेफाक है। सीए क्यों है कि हर तरह का गॉड गिफ्टेड बंदा सीए में आ गया? इन्वेस्टिगेशन में भी है, आप देखें इतने अच्छे अच्छे काम पिछले दिनों में इन्वेस्टिगेशन विंग ने किए हैं जब तक वो साथ थे आपके जगहों में। नहीं 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 नहीं, एवरीवेयर अभी भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन विंग को मेरे से अलग है। सर, अलग नहीं हो गया। नो नो, आई एम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग। देखें, एग्रीड कि इन क्लासिकल सेंस हम अलग है, लेकिन हम वी आर अंडर सीसीपी लाहौर। हमने इन्वेस्टिगेशन विंग को सपोर्ट करना हर तरह क्राइम फाइटिंग में। हाउ वी कैन बी सेपरेट? हमने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से हमने वही मुकदमे चलान करने हैं जो डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन हमें भेजेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा सीआईए को किस किस्म के केस ट्रांसफर किए जाते हैं? क्योंकि थाने में भी हर शहरी की ये होती है कि मेरा केस सीआईए को ट्रांसफर कर दो, एक प्रोसेस क्या है और किए किस तरह? सर, प्रोसेस ये है कि हम डायरेक्टली कोई केस नहीं लेते। प्रिंसिपली वी आर अंडर जो है ना बेसिकली इन्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डीजी इन्वेस्टिगेशन है, तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो केस हमें रेफर करेगा वो इन्वेस्टिगेट। सर, उसकी कोई बेस, कोई वजह होगी? देखिए ना, ऑब्वियसली बहुत सारी होती है, जिस तरह एक्सटॉर्शन का केस है तो ये सेंसिटिव है, इसको हमें करना चाहिए, वो हमें रेफर कर देते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम है, इमीडिएटली हम कर देते हैं, एक्सपर्टीज हैं लोगों की हमारे। फिर इसी तरह कोई अल्लाह ना करे कोई डकैती विद मर्डर, रॉबरी विद मर्डर हो जाती है, हाई प्रोफाइल रॉबरीज हो जाती हैं, कोई अनट्रेस रॉबरीज आ जाती हैं, तो दे रेफर टू अस एंड वी वर्क ऑन दैट। अच्छा, सीआईए की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकवरी कितनी थी कोई? सर, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, मेरे होते हुए जो पिछले दिन हुई है 4.5 करोड़ रुपया एक बंदे की रिकवरी हुई है। ठीक है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि उसने जो एफआईआर में लिखवाया हुआ था 2 करोड़ समथिंग का था। ठीक। जब मेरे लड़कों ने इसी सेंटर में डीएसपी सीआईए माल्टन शाह साहब ने, वो बंदे इनकी टीम ने पकड़े थे, तो जब उनको इन्होंने चोरों को पकड़ा तो उनको जब जो है ना इंटेरोगेट किया आपके मुताबिक अकूबत खाने में, तो उसके बाद जो उन्होंने जब चीज़ें सारी रिकवर की तो हमने जब मालकों को बुलाया कि जी आपने तो ये चीज़ें लिखाई थी, तो इन चीज़ों को आप पहचानते हैं? कहते जी उसी जल्दबाजी चल काट लिखा के यानी कि सर मालिक ने नहीं पता सी मेरे कितने पैसे गए ने, सीए ने पता सी कि जी टाडे डबल पैसे नहीं निकले नहीं। मालिक ने फिर सारी रसीदें ला के दी कि ये सारी चीज़ें हमारी गई थी। देखें, ये जो है ना असल में बाल की खाल भी हम उतारते हैं और हम फौरन अगले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में झूठ बिकता है, पाकिस्तान में फ्रॉड बिकता है, पाकिस्तान में नेगेटिविटी बिकती है। सवाल ही नहीं पैदा होता जी पॉजिटिव गल करिए कि यार ये तो सल्यूट है उस अफसर को कि जिनने 2 करोड़ रुपया खाण की बजाय बदई दे वाले कर देता। क्या कत्तर नहीं कि मौत पड़ जाएगी हमारे लोगों को ये बात करते हुए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये करेंगे लो मालक नूं पता ही नहीं सी तुसी फालतू पैसे देते। सर, इट्स नॉट द केस। पहली रेजिस्टेंस उस वक्त आती है जब कोई केस दर्ज करवाना चाहता है तो या वो झूठ लिखवा रहा होता है या असी उन्हें झूठ समझ रहे होते हैं। ये दुकानदार अपना गार्ड भी रखे तो पुलिस किस वास्ते माशरे च साडे तो पुलिस खत्म कर दे। चोरां दे भी मुहाफिज पुलिस नहीं करना तुसी। पुलिस असी कोई इत्थे गमलियां च पौधे लाए ने जिहड़े जम के पुलिस वाले हो जाएंगे अगले साल नवे आ जाएंगे। भर्ती ज्यादा होनी चाहिए, भर्ती करके दो ना जाके। इस तो बाद तुसी सर तुसी रिकमेंडेशन देनी है ना कि साडे कोल नफरी घट है ते सारा सीधे रोज देने यानी कि ताडी जिम्मेदारी नहीं केड़ी पुलिस दी साडी सारी जिम्मेदारी है। जाके डीआई साहब ऑपरेशन को तुसी सवाल पूछना क्या मनो मान ताडी जिम्मेदारी है।